चीन को एक और बड़ा झटका देते हुए मोदी सरकार ने तीसरी बार चाइनीज ऐप्स पर बैन लगाने का कदम उठाया है। इस बार प्रतिबंधित किए गए 118 ऐप्स में लोकप्रिय गेमिंग ऐप पबजी भी शामिल है। दुनिया भर में पबजी के 55.5 करोड़ यूजर्स हैं, जिनमें से करीब 21% यानी लगभग 11.6 करोड़ यूजर्स सिर्फ भारत में हैं। लेकिन जो लोग इसे बॉयकॉट चाइना कैंपेन के लिए बड़ा कदम मान रहे हैं, उन्हें ये भी पता होना चाहिए कि भारत के मोबाइल मार्केट पर अब भी चीन का ही कब्जा है। हम इसे कब्जा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सिर्फ 4 चीनी कंपनियों के पास भारत के कुल मोबाइल मार्केट की 65-70% हिस्सेदारी है। यानी चीनी ऐप्स पर तो बैन लग रहा है, लेकिन चीनी मोबाइल कंपनियां भारत में खूब पैसा पीट रही हैं। Xiaomi है नंबर 1 मोबाइल कंपनी। चीन की मोबाइल निर्माता कंपनी Xiaomi भारत में नंबर 1 की कुर्सी पर काबिज है। ये भारत में इतनी लोकप्रिय है कि इसने 1/4 से भी ज्यादा बाजार पर कब्जा किया हुआ है। 2019-20 की आखिरी तिमाही में कंपनी का कुल 30% बाजार पर कब्जा था, जो 2020-21 की पहली तिमाही में मामूली घटकर 29% हो गया है। वीवो के पास करीब 17% मार्केट। चीन की ही एक दूसरी मोबाइल कंपनी है वीवो, जिसने भारत के करीब 17% बाजार पर कब्जा किया हुआ है। 2019-20 की आखिरी तिमाही में कंपनी का कुल 17% बाजार पर कब्जा था, जो 2020-21 की पहली तिमाही में भी 17% बना रहा। IPL की स्पॉन्सरशिप को लेकर भी वीवो का नाम विवाद में आया था, जिसके बाद कंपनी खुद ही पीछे हट गई थी। लेकिन भले ही चीन के सामान के बहिष्कार की मांग लगातार उठ रही हो, पर वीवो के फोन भारतीय ग्राहकों को खूब पसंद आते हैं। ओप्पो के पास 11-12% बाजार। चीन की कंपनी ओप्पो भारत में टॉप 5 मोबाइल निर्माता कंपनियों में से एक है। टॉप 5 की लिस्ट में ये कंपनी 4th पर है। 2019-20 की आखिरी तिमाही में कंपनी का कुल 12% बाजार पर कब्जा था, जो 2020-21 की पहली तिमाही में मामूली घटकर 11% हो गया। चीन के मोबाइल लोगों को इसलिए भी पसंद आते हैं क्योंकि ये सस्ते होते हैं और इनमें बाकी स्मार्टफोन्स जैसे सारे फीचर्स उपलब्ध होते हैं। Realme टॉप की 5वीं मोबाइल कंपनी। भारत में 5वें नंबर पर भी चीन की Realme कंपनी है जो मोबाइल बनाती है। 2019-20 की आखिरी तिमाही में Realme का कुल 14% बाजार पर कब्जा था, जो 2020-21 की पहली तिमाही में घटकर 9% हो गया है। आपको बता दें कि टॉप 5 मोबाइल कंपनियों की लिस्ट में 2nd पर सैमसंग है, जिसके पास करीब 1/4 बाजार है और अन्य के पास करीब 10% मार्केट है। बाकी का सारा बाजार चीनी कंपनियों के कब्जे में है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।